हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर नामांकन का दौर जारी है। इसी क्रम में शुक्रवार को अंबाला से जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर किरण पुनिया ने नामांकन भरा। इस दौरान पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। पेशे से शिक्षिका किरण अंबाला के डीएवी कॉलेज में 26 सालों से पढ़ रही हैं। दुष्यंत ने शिक्षा के क्षेत्र में उनके इसी योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि अंबाला की जनता उन्हें भारी अंतर से जिताकर उन्हें अपना सांसद चुनेगी। डॉक्टर किरण पुनिया जी, जो जननायक जनता पार्टी की अंबाला लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार है, आज उनका नामांकन भरवाने हमें आए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से डॉक्टर कृपाराम पुनिया जी ने समाज सेवा में अपना योगदान दिया और उनके बाद प्रोफेसर रहते हुए डॉक्टर किरण पुनिया जी ने जिस तरीके से छात्रों को शिक्षित कर हजारों की तादाद में अंबाला में अपनी सेवा दी, आज जनता भारी बहुमत से इनके पक्ष में वोट भी करेगी और ऐतिहासिक अंतर से डॉक्टर किरण पुनिया जी को अंबाला संसदीय क्षेत्र से अपना सांसद चुने। और सांसद ही नहीं, ऐसे नेता जो पार्लियामेंट में जाके आवाज़ को, हरियाणा की आवाज़ को पार्लियामेंट में उठाए, वो जिम्मेवारी के साथ इनको लाखों के अंतर से जिताकर भेजने का काम करें। वही नामांकन दाखिल करने वाली जसपा प्रत्याशी किरण पुनिया ने कहा कि शिक्षा और रोजगार का स्तर सुधारना उनका मकसद है। अंबाला के रोजगार के हब खत्म होने के कगार पर हैं या खत्म हो चुके हैं। आज उन्हें पुनर्जीवित करने की जरूरत है, जिसे वो संसद में पहुंच पूरा करने का काम करेंगी। सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर ये विश्वास जताया और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है। आपने मुद्दों की बात की तो अंबाला लोकसभा में बहुत सारे मुद्दे हैं जो पहले उठाए गए हैं और लेकिन उन पर कोई कार्य नहीं हुआ। जैसे बहुत बड़ा मुद्दा है पिंजूर की HMT, तो इस बारे में जो मोदी साहब हैं उन्होंने बड़ा आश्वासन लोकसभा को दिया, अंबाला लोकसभा को दिया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और रोज़गार का जो स्तर है दिन प्रतिदिन गिर रहा है, तो मैंने कुछ सर्वे किया और मेरी समझ में जो मुद्दे हैं, यहाँ की कपड़ा मार्केट जो एशिया की बिगेस्ट कपड़ा मार्केट थी, तो अब वो कपड़ा मार्केट एक तरह से पतन के कगार पर है क्योंकि उनका काम नहीं चल रहा और सरकार ने उनको कोई सहायता नहीं दी। अगर ये कपड़ा मार्केट चलती रहती तो जो कम पढ़े लिखे बच्चे हैं तो उनको ये रोज़गार मुहैया करा सकती थी और पहले भी काफ़ी यहाँ के जो बच्चे हैं उनमें एडजस्ट होते रहे हैं। तो कपड़ा मार्केट का एक मुद्दा है और नारायणगढ़ रेलवे लाइन का जो पहले भी आगाज़ हुआ था और उसको बड़े स्तर पर बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने का काम सरकार मोदी सरकार ने एक तरह से आश्वासन दिया था, तो उस पर भी कुछ नहीं हुआ। और हमारे अंबाला कैंट कि जो साइंस इक्विपमेंट की जो इंडस्ट्री है, ऑलमोस्ट वो इंडस्ट्री वो भी बिल्कुल अपने निचले स्तर पर आ गई है। उसके कारण मैं जो समझती हूँ कि जो सरकार की जो नीतियाँ हैं उन्होंने उसको सपोर्ट नहीं किया, तो हमसे बाद में कपूरथला जो है वो साइंस सिटी बन चुका है, हम वहीं के वहीं हैं। शायद ये एक बहुत बड़ी कमी है जो सरकार ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया। और ऐसे ही कई और मुद्दे हैं, जैसे हमारे यहाँ की सिटी की पहचान थी अंबाला सिटी की मिक्सी उद्योग, तो मिक्सी उद्योग भी अब कोई पनप नहीं रहा है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो यहाँ लोकल जो अंबाला लोकसभा के हैं, अगर मैं संसद में जाती हूँ तो मैं इन मुद्दों पर आवाज़ उठाऊंगी और अपने पुरजोर कोशिश करूंगी कि इन मुद्दों पर आवाज़ उठाकर मैं ये सारे उद्योग जो कम हो रहे हैं तो उनको बढ़ावा दूँ। यहाँ पर 152D के अलावा शायद मुझे नहीं लगता कोई डेवलपमेंट पिछले सालों में हुई है, और 152 का श्रेय भी जो है वो हमारे आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी को जाता है। अंबाला के बाद कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर भी जसपा प्रत्याशी ने आज नामांकन दाखिल किया। यहाँ पार्टी ने पाला राम सैनी को अपना कैंडिडेट बनाया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यहां भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र की जनता इस बार तीनों बाहरी उम्मीदवारों को बाहर भेजकर अपने दुख सुख के साथ ही पालाराम सैनी को भारी मतों से जिताएगी। पालाराम सैनी जी और डॉक्टर किरण पुनिया कुरुक्षेत्र और अंबाला
दोनों लोकसभा के नामांकन हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो सम्मान डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने बैकवर्ड समाज को दिया है, खासतौर पर श्रेणी समाज को जिनका रिश्ता चौधरी देवीलाल जी से लेकर अब तक कुरुक्षेत्र की धरा पर रहा है, कुरुक्षेत्र एक नया इतिहास रचेगा कि तीनों भारी उम्मीदवारों को बाहर भेजकर अपने खुद के सुख दुख के साथी पालाराम श्रेणी को भारी बहुमत से जिताएगा। और मैं तो कहूँगा इस बार लड़ाई जो है वो लड़ाई ठाडे के साथ कह लो लोकल की, और ये पैसे की पावर से तो जरूर चुनाव लड़ रहे मगर जनता की ताकत से, वोटों की ताकत से अगर कोई लड़ेगा तो पालाराम सैनी लड़ेगा और भारी बहुमत से अपना सांसद कुरुक्षेत्र की जनता जिताएगी। बता दें कि अंबाला से बीजेपी ने जहां बंतो कटारिया को अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं कांग्रेस की ओर से विधायक वरुण मुलाना मैदान में हैं। इनेलो ने यहां से गुरप्रीत सिंह को कैंडिडेट बनाया है। इसी तरह कुरुक्षेत्र से बीजेपी के नवीन जिंदल, कांग्रेस आप की ओर से सुशील गुप्ता और इनेलो से अभय चौटाला मैदान में हैं। अब इन चारों दलों में से किसे जनता जीत का आशीर्वाद देती है ये तो 4 जून को आने वाले नतीजे ही बताएंगे। अंबाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।